ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण है तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और अक्टूबर के महीने में कहां पर तुला राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली होगी, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों को इसलिए देखना चाहिए ताकि आप आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानकर वर्तमान के साथ साथ अपने समय को काफी ज्यादा बेहतर बना सकें। इस राशिफल के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों के बारे में तुला राशि वाले जातकों को जानकारी देने वाले हैं, जिसमें तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसको आपको जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पूर्व बात करें तुला राशि वाले जातकों के जीवन में, तो शुक्र से प्रभावित राशि है और जीवन में विचार को बहुत ही ज्यादा संजोए रखते हैं तुला राशि के जातक। जीवन में बहुत क्रिएटिव देखे गए हैं, सोच समझ कर जीवन में किसी भी कार्य को ये करते हैं। तुला राशि के अंदर विशेष प्रकार की नियम देखने के लिए मिलता है। कठोर परिस्थितियों में जुझारूपन, आत्मविश्वास, बौद्धिक शक्ति तुला राशि की विशेष पहचान होती है। परंतु बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को साल 2020 से ही उतार चढ़ाव भरे समय का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवार में पारिवारिक संबंधों को लेकर स्थितियां सही नहीं है। बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे, चूंकि शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके राशि के ऊपर ही चल रहा है। देखिए, राशि में आपके सूर्य, मंगल और बुध हैं। ये तीन प्लैनेट राशि के द्वादश भाव में अक्टूबर के महीने में रहने वाले हैं, जिसमें 16 अक्टूबर 2021 तक सूर्य आपके द्वादश में, उसके पश्चात लग्न भाव में आ जाएंगे। मंगल 21 अक्टूबर तक द्वादश में रहने वाले हैं, उसके पश्चात लग्न भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि के द्वितीय भाव में केतु और शुक्र की युति रहने वाली है। गुरु और शनि का नीच भंग योग राशि के चतुर्थ भाव में बना हुआ रहने वाला है। राहु देव आपके राशि से अष्टम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो भाई, हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, राशि का दशम भाव करियर और व्यावसायिक जीवन का जिम्मेदार होता है। सबसे पहले करियर के लिहाज से अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो लग्नेश, जो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं,
राशि के दूसरे भाव शत्रु राशि में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और शनिदेव जो आपके राशि में उच्चस्थ स्थितियों में होते हैं दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए, मेहनती जातकों के लिए यह महीना अनुकूल कहा जा सकता है। चतुर्थ भाव में मौजूद शनि और गुरु पूरे महीने दशम भाव पर सीधे दृष्टि दे रहे हैं, तो यहां पर परिश्रम से सफलता तुला राशि वाले जातकों को देखने के लिए जरूर मिलेगी। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातक विशेष सावधानी रखकर अक्टूबर के महीने में चलने का प्रयास करें। व्यापारिक विस्तार, व्यापार में नवीनीकरण होता हुआ जरूर नजर आ सकता है। पार्टनरशिप में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के संबंधों में खराबियां और तकरार देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि विदेश में आप जुड़े हुए हैं, विदेश से व्यापार का संचालन करते हैं, तो करियर के लिहाज से काफी सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि तुला राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही कार्य की तलाश में जुड़े हुए हैं और कार्य नहीं मिलने के कारण परेशानी भरे स्थितियों में हैं, तो यहां पर आपकी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं, आपको जीवन में सफलता और संभावनाएं कार्य के दृष्टिकोण से देखने के लिए मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अक्टूबर का महीना मिला जुला और अच्छा भी कहा जा सकता है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के दूसरे भाव से व्यक्ति के धन का विचार किया जाता है और राशि के 11th हाउस से व्यक्ति के लाभ का विचार किया जाता है। राशि के धन भाव के स्वामी मंगलदेव राशि से द्वादश भाव में 21 अक्टूबर 2021 तक शत्रु राशि में मौजूद हैं और राशि के लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में, वक्रगत स्थितियों में राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद हैं। तो दोनों प्रकार से स्थितियां जो बनी हुई हैं वो चुनौतीदायक बनी हुई रहने वाली है। तो अक्टूबर के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए धन कमाने के मामले में मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन धान्य में संपन्नता तभी देखने के लिए मिलेगी जब आपकी मेहनत काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि भौतिक सुखों और विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए तुला राशि वाले जातकों के व्यर्थ के खर्च जरूर बढ़े हुए रहेंगे, परंतु आमदनी मिली जुली ही रहने वाली है। धन आगमन के मार्ग तभी खुलेंगे जब तुला राशि वाले जातक जीवन में काफी ज्यादा पहल करेंगे। बेवजह चीजों में धन का व्यर्थ में जाया करने से बचना चाहिए। राशि के द्वादश भाव में 1-7-3 ग्रहों की युति होना व्यर्थ का खर्च शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में व्यर्थ के नुकसान और हानि की ओर इशारा कर रही है। तो यहां पर विशेष रूप से सावधानी तुला राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक जीवन तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। परिवार भाव में शनिदेव मौजूद हैं, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ेगी, व्यस्तता देखने के लिए मिलेगी। अक्टूबर के महीने में परिवार के सदस्यों के साथ व्यर्थ का मतभेद भी निर्मित हो सकता है, परिवार के सदस्यों से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। तो यहां पर विशेष रूप से सावधानी, सामंजस्य वातावरण बनाकर तुला राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षा के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के पंचम भाव से व्यक्ति की शिक्षा का विचार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तुला राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना शुभ सौगात देने वाला है। इसमें शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन तुला राशि के जातक करते हुए नजर आएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए तुला राशि के जातक सफलता अर्जित करते हुए
नजर आ सकते हैं। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम संबंधों को लेकर तुला राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। इसमें प्रेमी और व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए जातकों के प्रेम संबंधों में शांति देखने के लिए जरूर मिल सकती है। यदि पूर्व के समय से प्रेमी जातकों के लिए प्रतिकूलताएं देखने के लिए मिल रही थी, उसमें सुधार भी मिल सकता है। परंतु वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, चूंकि राशि के सप्तम भाव के स्वामी मंगलदेव 21 अक्टूबर 2021 तक राशि से द्वादश भाव में गोचरी स्थितियों में रहेंगे, वहीं सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा नहीं बना हुआ रहने वाला है, तो यहां पर वैवाहिक जीवन को लेकर तुला राशि वाले जातकों को संयम बनाना चाहिए। आक्रोशित मन के साथ वैवाहिक जीवन में चलने से बचना चाहिए। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का भाव बनाकर वैवाहिक जीवन में चलने का प्रयास जरूर करें तो जीवन में सफलता जरूर देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य तुला राशि वाले जातकों का अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा? तो राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति नीच राशि मकर राशि में वक्रगत स्थितियों में मौजूद हैं। वहीं राशि के छठवें भाव में आपके राशि के स्वामी की दृष्टियां जा रही है, शनिदेव की दृष्टियां आ रही है, और राशि के द्वादश भाव में एक साथ तीन ग्रहों की युति है कि राहु देव राशि के अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का जो मैटर रहने वाला है अक्टूबर के महीने में सावधानी पूर्वक चलने वाला रहने वाला है। इसमें तुला राशि वाले जातकों को मेंटली काफी ज्यादा समस्या देखने के लिए मिलेगी। अष्टम भाव में मौजूद राहु आपके मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कार्यों का अत्यधिक बोझ तुला राशि वाले जातकों को परेशान करेगा। वहीं राशि के द्वादश भाव में सूर्य मंगल की युति एक साथ होना तुला राशि वाले जातकों के लिए एसिडिटी, मस्तिष्क में समस्या, हृदय विकार, जननांगों से संबंधित रोग निर्मित करा सकता है। तो यहां पर संतुलित आहार, संयमित दिनचर्या, अनुशासित जीवन जीना पूरे महीने को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर बना सकता है। वाहन चलाते समय भी तुला राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखना चाहिए तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो देखिए, अक्टूबर का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बेहतर ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर नहीं कहा जा सकता। तो अब बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। उससे पूर्व बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास सलाह के बारे में। तो सबसे पहले शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी तुला राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है, जिससे यदि आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ है तो यहां पर आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व मजबूत हो रहा है। जीवन में यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो असफलता और चुनौतियां आने का मतलब यह हुआ कि जीवन में आपको कहीं न कहीं सबक मिल रहा है। अब वो आपकी इच्छा है कि यदि आप जीवन में असफलताओं से सीख लेते हैं या नहीं लेते हैं। यदि आप जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो कई मामले के लिए आपके लिए प्रतिकूलताएं जीवन से समाप्त हो सकती है। आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा। तो तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले अपनी असफलता से निराश नहीं होना है। दूसरा, अक्टूबर को बेहतर बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले उसी कार्य में आप संलग्न हो जहां पर आपकी विशेष रूप से रुचि हो। और दूसरा, तुला राशि के जातक समय का विशेष रूप से ध्यान कम से कम देते हैं, मौज मस्ती में बहुत ज्यादा होते हैं, फलस्वरूप अपने महत्वपूर्ण कार्यों से ये दूर भी हो जाते हैं।
अक्टूबर को शानदार बनाए रखने के लिए समय का विशेष महत्व रखें। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, एकांत में स्वयं से बात करें। अपने आप को बेहतर इंसान बनाए रखने के लिए अपने जीवन में अच्छे गुणों का समावेश करें। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आप अपने आप के व्यक्तिगत गुणों का आकलन पूर्ण रूप में कर सकते हैं। चौथा, तुला राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों और व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब धार्मिक उपाय आपके लिए बताते हैं जो आप जरूर अक्टूबर के महीने में करें। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, तो यहां पर आपको प्रत्येक शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना आराधना जरूर करनी चाहिए। शुक्र के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए शुक्रवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित चीजों का, साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग जरूर करते रहें। धार्मिक स्थान पर दूध दही घी का दान कर सकते हैं और शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी तुला राशि वाले जातकों के ऊपर वर्तमान समय में चल रहा है। तो एक खास और बेहतरीन उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप करते हैं तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो देखिए, शनिवार के दिन आपको पीपल और समी की लकड़ी के 108 टुकड़े करना है और आपको पीपल और समी दोनों की लकड़ी को 108 दोनों लकड़ियों को टुकड़ों में करके दो लकड़ियों को एक साथ लेकर आपको काले धागे में बांधना है और 108 लकड़ियां तैयार करना है। पीपल और समी दोनों की लकड़ियां होनी चाहिए और काले धागे में बांधकर 108 लकड़ियों को तैयार करें। उसके पश्चात शनिवार के दिन संध्या के समय हवन करना है। हवन करते समय ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात गर्म घी में लकड़ियों को डुबाकर आपको हवन करना है। 108 बार शनि का वैदिक मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करते जाएं और लकड़ियों को लेकर हवन करते जाएं। अंत में पूर्णाहुति जरूर करें हवन के पश्चात। और दूसरे दिन हवन की राख को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे आप शनिदेव की 7.5 ढैया शनि के प्रतिकूल प्रभाव को जीवन से काफी कम कर सकते हैं। हवन करने के उपरांत दोनों हाथ जोड़कर भगवान शनिदेव से अपने पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना जरूर करते रहें। दूसरा उपाय तुला राशि वाले जातकों को शनिदेव के लिए करना चाहिए, प्रत्येक शनिवार को जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाते रहें। ये उपाय आप कर सकते हैं तो बेहतर संभावनाएं जरूर देखने के लिए मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों, साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।